एसटीवी न्यूज 24 रखे बुलंद आपकी आवाज। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद 20 से 25 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में पंचायत चुनाव बीत जाने के बाद ग्रामीण इलाकों में लगातार बुखार जैसी संदिग्ध बीमारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक की ग्राम पंचायत रतनपुर कला में इन दिनों बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों की अगर माने तो पंचायत चुनाव से लेकर अब तक 20 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी पद और एक ग्राम पंचायत प्रधान पद के उम्मीदवार की भी रतनपुर कला में मौत हो चुकी है। स्थानीय निवासियों की अगर माने तो ग्राम पंचायत रतनपुर में स्वास्थ्य केंद्र बीते कई दिन से नहीं खुला है और न ही मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। दवाइयां वितरण करना तो दूर की बात है, अस्पताल में कोई देखने वाला भी नहीं है। स्थानीय निवासियों की अगर माने तो उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराने के बाद भी इस और अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। क्या नाम है आपका? अमित पवार। क्या करते हैं आप? सर मैं आर्मी हॉस्पिटल में हूँ। जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन होते हैं वहाँ उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। कहाँ के निवासी हैं? रतनपुर कला में आपका एक ग्रामीण क्षेत्र है। ये जो पंचायत चुनाव कोरोना काल हुआ है, अब तक आपके ग्रामीण इलाके में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? समथिंग 20 से 25 मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पे कुछ करा गया है? अभी तक तो कुछ नहीं आया है, नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है कहाँ ये होना है नहीं होना है। कोई कैंप नहीं किया गया अभी। हाँ हमारे जो भाई हैं, राजीव भाई हैं, कुलदीप भाई हैं, ये इंटीमेट करते रहते हैं पर अभी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है कि इस तरह से ये यहाँ पर ये जो हो रहा है, थोड़ा देखें स्वास्थ्य विभाग आकर क्या हो रहा है। अभी कोई नहीं आया टीम क्या सर? जैसे कि अब सीजन चला वायरल फीवर है, अब मोस्टली सब यही बोलते हैं वायरल फीवर हो रहा है। क्या हो रहा है अभी कोई जांच नहीं हुई ना, जांच के बाद ही पता चलता है कि है क्या चीज़। जांच हुई नहीं है। क्या मांग करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? सर स्वास्थ्य यहाँ पर जितनी पब्लिक है उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। ऐसा घटना घट रही है, किसी का परिवार बेकार हो रहा है, वो बचें, वो सेफ्टी रहें। आप भी खुद आर्मी के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या अपील करेंगे और आप किस तरीके से कोविड की गाइडलाइनों का पालन करते हैं? सर सभी से कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रहें, समय समय पर सैनिटाइजर का यूज करते रहें और दूरी बना कर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजीव ठाकुर है। राजीव जी कहाँ के आप निवासी हैं? मैं रतनपुर कला का निवासी हूँ। जी यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे श्री नाजिम मलिक जी, उनकी डेथ हो गई। एक और प्रत्याशी थे प्रधानी के पीसुल भाई, उनकी डेथ हो गई। अच्छा पंचायत चुनाव के बाद से अब तक आपके इस इलाके में कितने लोगों की मौत हुई? लगभग 20 लोग यहाँ पंचायत चुनाव के बाद डेथ हुई है उनकी। क्या अब तो कुछ सामान्य स्थिति है, थोड़ा कम है, जो वायरल फीवर चल रहा था थोड़ा कम है। इन मौतों से क्या लग रहा है, क्या दहशत है लोगों में? हाँ थोड़ा डर का माहौल है, लोग वैसे ही डर रहे हैं, थोड़े सचेत रह रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा अभी तक स्वास्थ्य विभाग से यहाँ कोई टीम आई है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई टीम आई है? अभी तक तो कोई टीम नहीं आई है, स्वास्थ्य केंद्र भी लगभग पिछले 15 दिन से बंद ही है। क्या मांग करेंगे? मैं तो यही मांग करूंगा अपना सब बचाव करें, बीमारी से मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का प्रयोग करें, अनावश्यक बाहर ना घूमें। प्रशासन से क्या मांग रही है कि वो क्या करें? प्रशासन आपसे प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ पर एक आध जाँच केंद्र लगाया जाए, लोगों की जो बीमार हैं उनकी जांच हो, लोगों को किट बांटी जाए। रतनपुर कला में जो लोगों की तबीयत खराब है, क्या स्थिति है और आपके द्वारा क्या जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? रतनपुर कला में स्थिति यह है कि साफ सफाई का मेन मुद्दा था, वो हमने जो है सर्वप्रथम करवाया है, जीतने के बाद तुरंत हमने ये काम कराया है, साफ सफाई पे ध्यान दिया है और सब लोगों को लगाया है, जो भी सफाई कर्मी है उनको पुनः काम पर दोबारा बुलाया गया और वो अपना काम सही से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी क्या स्थिति है आज की तारीख में?
स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति? स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति यह है, अभी 15-20 दिन से बंद पड़ा है, उसमें ना ही कोई टीकाकरण हुआ, ना किसी तरह की कोई वहाँ पर दवाइयाँ मुहैया कराई गई हैं। जो मरीज हैं किसी तरह का उन्हें कोई भी अभी तक किसी तरह का मेडिसिन लाभ नहीं मिला। जनपद में कोविड महामारी चल रही है, काफ़ी सारी मौतें हो रही हैं, आपके गाँव की क्या स्थिति है? हमारे गाँव में फिलहाल स्थिति काबू में है और किसी तरह का भी अभी हमारे यहाँ पर कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं मिला है और सभी लोग पूरा COVID-19 का ध्यान रखते हुए सब एक दूसरे से जनसंपर्क भी कर रहे हैं तो बहुत दूरी के साथ कर रहे हैं और बाजार में मार्केट में सब में डिस्टेंस है काफ़ी। क्या जागरूकता आप कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या जागरूकता आप की जा रही है? स्वास्थ्य को लेकर के यही है, जो भी सरकारी दवाइयाँ वगैरह आ रही हैं, SDM साहब के साथ से भी आज किट वगैरह आई थी तो हमने सब जो भी लोग हैं जो दवाई लेने में सक्षम नहीं है तो उन लोगों को वो दवाइयाँ मुहैया कराई गई हैं और लेखपाल साहब को आज हम देखे गए थे किट, तो वो कोरोना की किट जो भी बीमारी थी उनको खांसी की जुकाम की तो वो सब उनको दी गई है दवाई। कितनी किटें वितरित की गई हैं? वो आज 10 किटें आई थी रतनपुर कला के लिए, 10 की 10 हमने उनको आवंटित कर दिए। कितने लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं? ज़रूरतमंद तो अब जितने भी हैं आते रहेंगे, फिलहाल और होंगे 10-15 लोग वो भी आएंगे, 10 आई थी फिलहाल वो सबको दे दी। स्थिति काबू है? स्थिति फिलहाल काबू में। किस चीज़ से किटें थी जो आई थी आज? बुखार वगैरह या खांसी जुकाम कोरोना से जो भी संबंधित जो कोरोना के संदिग्ध थे उनको दी गई। 25 मरीज तकरीबन कोरोना संदिग्ध हैं जी? नहीं, कोरोना संदिग्ध मतलब मानते हुए लक्षण जो है उनके। कितने लोग होंगे ऐसे गाँव में आपके? फिलहाल तो 10 लोगों को किट दी गई है और उसके अलावा अगर कोई भी आगे होगा तो देखा जाए। स्वास्थ्य विभाग सूचना पर खुद पहुँचा था या आपने बुलाया था? नहीं, खुद आए थे। खुद सूचना।